हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी फ्रेंड्स का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल डियर सर इंग्लिश में। और आज की जो स्टोरी है, फादर लव फॉर डॉटर। तो देखिएगा, एक पिता का जो प्रेम होता है अपनी पुत्री के लिए, वो किस तरीके का होता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, तो इतनी ज़्यादा शानदार कहानी है कि निश्चित तौर पर आप लोगों की आंखों में भी आंसू आ जाएंगे अगर आप वास्तव में कहीं ना कहीं क्लास तक बने रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पूरी ही कहानी को, वर्ड बाय वर्ड आप लोगों तक पहुंचाते हैं। यस, वन डे। वन मीन्स होता है एक, डे मीन्स दिन, है ना। लिटिल, लिटिल मीन्स छोटी सी, 12 इयर्स ओल्ड, तो 12 साल की एक ओल्ड मीन्स जो लड़की जो थी, गर्ल, आस्क्ड, तो उसने आस्क मीन्स पूछा, हर फादर, तो उसने अपने पिताजी से पूछा। तो देखिएगा क्या पूछा, आस्क हर फादर, व्हाट आर यू गोइंग टू गिफ्ट मी फॉर माय नेक्स्ट बर्थडे। तो तुम जो है, व्हाट मीन्स क्या, व्हाट आर यू गोइंग टू गिफ्ट। अब देखिएगा, गोइंग टू गिफ्ट, तुम कौन सा गिफ्ट देने जा रहे हो, मी मीन्स मुझको, फॉर माई नेक्स्ट, आगे आने वाले जो मेरा बर्थडे है उस पर आप मुझे क्या देने वाले हैं। तो उस लड़की ने प्रश्न किया है, क्वेश्चन किया है कि मेरे बर्थडे पर पापा जी आप मुझे क्या देंगे। तो देखिएगा, फादर जो होते हैं वो क्या देते हैं और क्या बताते हैं उसको देख लेते हैं। फादर स्माइल्ड। अब यहाँ पर देखिएगा, स्माइल की सेकेंड फॉर्म यहाँ पर दी हुई है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, मीन्स आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। स्माइल मीन्स होता क्या है, तो मुस्काना, है ना, मुस्कान होती है, तो वो मुस्कुराते हुए बोले, इंडरसेड और कहा, तो मुस्कुरा करके वो बोले, देयर इज मच टाइम, तो उन्होंने कहा कि देयर इज मच टाइम, तो समय यहाँ पर काफी है, मच टाइम मीन्स अधिक, अभी काफी समय है, सो मीन्स इसलिए, वेट इसलिए, इंतजार करो, है ना, तो कहा कि अभी समय काफी है, इंतजार करो, टिल और कब तक करना है, योर, तुम्हारे जो बर्थडे, तो तुम्हारा जब बर्थडे है तब तक थोड़ा इंतजार करो और उसके बाद में मैं बता दूंगा कि जो है मैं आपको क्या देने वाला हूं। आगे बात करें तो देखिएगा, जस्ट आफ्टर, जस्ट मीन्स ठीक, है ना, यहाँ पर ठीक, आफ्टर मीन्स बाद में, फ्यू डेज ऑफ दिस, इसके कुछ ही दिनों के बाद। अब यहाँ पर देखिएगा, फ्यू होता है, अगर यहीं पर एफ यू होता तो फिर आपका उसमें पॉजिटिविटी होती, यहाँ पर बिल्कुल नेगेटिव वर्ड होता है, फ्यू मतलब बिल्कुल दिन गुजरे ही नहीं, उसके कुछ ही समय के बाद में। कन्वर्जेशन, कन्वर्जेशन क्या होता है, कन्वर्जेशन होता है वार्तालाप, ठीक है, वार्तालाप। इस वार्तालाप के बाद में, इसी बात के बाद में, द गर्ल फेंटेड, फेंटेड मीन्स क्या होता है, मूर्छित हो जाना, है ना, तो वो जो लड़की जो थी वो एकदम मूर्छित हो गई, एंड वाज रस्ड, और बहुत तेजी में, रस मीन्स वैसे तो होता है दौड़, तेज दौड़, दौड़ भागना होता है ना, टू द, तो उसको एकदम बहुत तेजी से ले जाया गया, जल्दी शीघ्रता से ही ले जाया गया, टू मीन्स को, कहाँ को ले जाया गया, द हॉस्पिटल, तो उसको तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। आफ्टर चेकिंग, जब उसकी चेकिंग हुई, चेकिंग क्या होता है, परीक्षण, निरीक्षण, ठीक है, तब उसका परीक्षण कराया गया ऑन गर्ल, जब उस लड़की की जो देखभाल कराएगी, दिखाया गया, तो देखेगा उसमें क्या निकलता है क्या नहीं। डॉक्टर जो था वो कैम, अब यहाँ पर देखिएगा, कम की सेकेंड फॉर्म है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, मीन्स आपका टेंस कौन सा है, पास्ट इनडेफिनिट टेंस, ठीक है, आउट, तो जैसे ही डॉक्टर बाहर निकल करके आए, एंड, और इसके बाद में उन्होंने क्या किया, इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म मीन्स होता है जानकारी देना, बताना, तो उन्होंने बताया, फैमिली, पूरे परिवार को कहा, दैट गर्ल, तो ये दैट गर्ल हैड, तो ये जो लड़की जो है, हैड बैड हर्ट, उसका जो हर्ट है वो कहीं ना कहीं खराब हो चुका है, वो बेकार हो चुका है, एंड प्रोबेबली,
प्रोबेबली मीन्स होता क्या है, प्रोबेबली मीन्स होता है संभवता, है ना, संभवता सी विल डाई, शायद ही मतलब वो शीघ्र ही मर जाएगी क्योंकि उसका जो हर्ट है वो पूर्ण रूप से खत्म है, खराब है। एवरी वन मीन्स हर एक परिवार के सदस्य थे इन फैमिली, परिवार में, तो परिवार में जो सभी फैमिली मेंबर्स होते फैमिली, बाज सॉक्ड मतलब सभी पूरा फैमिली ही जो थे वो सॉक्ड था, सॉक्ड में सभी को धक्का लगा, है ना, तो सबको धक्का लगा, सब परेशान थे। टू हियर मीन्स सुन करके, दैट एंड डिडंट न्यू, और वो नहीं जानते थे, नो की सेकेंड फॉर्म है न्यू, नो होता है नो की सेकेंड फॉर्म है के एन ओ डब्ल्यू, ठीक है। वॉट टू डू, अब उनको ये समझ नहीं आ रहा था, वॉट मीन्स क्या, टू डू मीन्स किया जाए, तो अब करा क्या जाए इसके बारे में उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो देखिएगा, वाइल जबकि गर्ल जो थी बाज लाइंग, तो देखिएगा गर्ल बाज लाइंग, अब यहाँ पर बाज वर्ग के साथ में जब कभी भी, क्योंकि गर्ल सिंगुलर है तो बाज लगा हुआ है, यहाँ पर जब आई एन जी फॉर्म लगती है तो आपका टेंस हो जाता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पर है ऑन बेड। तो देखिएगा जो लड़की जो थी वो लेटी हुई थी ऑन बेड, बिस्तर पर, इन हॉस्पिटल, तो जो हॉस्पिटल का बिस्तर था वहां पर लेटी हुई थी, एंड हर फादर, और उसके जो पिता जो थे वो बाज सिटिंग नियर हर, तो उसके जो पिता थे वो भी उसके करीब बैठे हुए थे। सी आस्क्ड, उस लड़की ने पूछा, सी आस्क, यहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, उस लड़की ने प्रश्न किया, डैडी एम आई गोना डाई, क्या अब मैं मर जाऊंगी, क्या मैं मरने वाली हूँ, तो उस लड़की ने अपने फादर से पूछा कि क्या मैं अब मरने वाली हूँ। फादर रेप्लाइड, तो फादर ने रेप्लाई किया, रेप्लाई मीन्स होता उत्तर देना, है ना, पिता ने उत्तर दिया, नो डियर, नहीं, डियर मीन्स प्रिय, बिल्कुल नहीं, ऐसा हो नहीं सकता प्रिय, यू विल लिव, तुम जीवित रहोगी, ही गेव हर अ, तो उसने कहा कि तुम जीवित रहोगी और ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। वाम हग, तो उसने उसको वाम हग किया, हग मीन्स होता है गले लगाना, ठीक है, तो उसने उसको गले लगाया, एंड किस्ड, और चुम्बन दिया, ठीक है, चुम्बन लिया, हर मी हर ऑन फोरहेड, उसके फोरहेड पर, फोरहेड उसका माथा, तो उसके माथे पर जो है उसने चुम्बन लिया, उसको गले लगाया, एंड लेफ्ट वीपिंग, और उसको वहीं पर लेफ्ट में छोड़ गया, वीपिंग, वीप करते हुए, रोते हुए उसको वहीं पर छोड़ करके चला गया उसके जो फादर थे वो। गर्ल सेड, तो उस लड़की ने कहा, हाउ कैन यू बी सो श्योर डैडी, तो उसने फिर बोला कि हाउ कैन यू बी मीन्स होता है होना, तुम इतना श्योर कैसे हो सकते हो, सो श्योर डैडी, तो तुम इतना श्योर कैसे हो सकते हो, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। फादर जो थे वो टर्न मीन्स होता है मुड़ना, अराउंड एंड चारों तरफ मुड़े, और रेप्लाइड मीन्स उत्तर दिया, आई नो, मैं जानता हूं, तो उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है कि क्या करना है, कैसे करना है, मैं अच्छे से जानता हूं। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर मीन्स के बाद में, सम टाइम कुछ समय के बाद में, गर्ल गॉट ट्रीटेड, उसका इलाज हुआ, ट्रीटेड मीन्स इलाज, यहां पर जब उसका इलाज हुआ, एंड वाज रिकवरिंग, और वो लगातार रिकवरिंग होने लगी, लगातार उसकी जो हेल्थ थी उसमें सुधार होने लगा, ठीक है, हेल्थ में सुधार होने लगना, तो सुधार होने लगा। एट सेम टाइम, ठीक उसी समय, सी टर्न 13, और वो कितनी साल की हो गई, 13 साल की। आफ्टर सी केम होम, जैसे वो घर पर आती है, सी फाउंड, उसने पाया, फाउंड मीन्स होता है पाना, अ लेटर, एक पत्र था, ऑन हर बेड, उसके बिस्तर पर एक लेटर था, पत्र था, और देखेगा इट सेज, और उस लेटर में, इट सी है लेटर के लिए, ठीक है,
क्या कहा गया था? देखिएगा, इस पत्र में लिखा था, माई स्वीट किड, मेरी स्वीट मिस प्यारी, किड मेरी प्यारी बच्ची, यहां पर किड आया बच्ची के लिए। इफ यू आर रीडिंग, अगर तुम ये पढ़ रही हो, दिस मिस इस लेटर को, इट मीन्स इसका मतलब है एवरीथिंग वेंट, कि सब कुछ जो है वेंट वेल, सब कुछ अच्छा हुआ। वो की सेकेंड फॉर्म है वेंट, ठीक है, सब कुछ अच्छा हुआ। एज आई टोल्ड यू, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, मैंने तुमसे कहा था, यू रिमेम्बर, तुम्हें याद होगा, तुम्हें शायद याद होगा, मैंने तुमसे पहले भी बोला था, वंस यू आस्क मी, जब तुमने मुझसे पूछा था, व्हाट एम आई गोना गिफ्ट यू फॉर योर बर्थडे, कि मैं तुम्हारे जन्मदिन पर क्या देने वाला हूं, तो मैंने उस समय तुमसे बोला था वेल, ठीक है, तो अच्छे से तुम्हें याद होना चाहिए कि मैंने बोला था क्या, वेल एट दैट टाइम, उस समय आई डिडेंट न्यू, मुझे पता नहीं था, न्यू मुझे नहीं जानकारी थी, व्हाट आई एम गोना गिव यू, कि मैं तुम्हें क्या देने वाला हूं या फिर क्या देने जा रहा हूं, बट नाउ माई प्रेजेंट, लेकिन अब मेरा जो प्रेजेंट है, मेरा जो उपहार है, वो टू यू, वो तुम्हारे लिए इज माई हार्ट, वो क्या है, मेरा दिल जो है वो तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं एक प्रेजेंट है, उपहार है, फादर जो थे उन्होंने डोनेटेड मीन्स कर देना होता है दान, है ना, उन्होंने दान कर दिया था, हिज मीन्स अपना हार्ट, अपना जो दिल था वो अपनी उस बेटी को दान कर दिया था, फॉर हर डॉटर, अपनी उस पुत्री के लिए। अब देखिएगा हमें इससे शिक्षा क्या मिलती है और क्या नहीं, और सभी को ये चीज याद भी करनी चाहिए, रखनी। यस, अवर पेरेंट्स, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं, लव्स अस, वो बहुत प्रेम करते हैं और हमको, इसके अलावा मेक सेल्फलेस सेक्रीफाइसेस, और सेल्फलेस बिना किसी स्वार्थ के, है ना, बिना किसी स्वार्थ के, कोई स्वार्थ नहीं होता है बिना स्वार्थ के, स्वार्थ बिना सेक्रीफाइस कर देते हैं, त्याग कर देते हैं, है ना, टू कीप अप हैप्पी, खुश रखने के लिए, एंड सेफ, सुरक्षित रखने के लिए। सो ऑलवेज, इसलिए हमेशा ही रेस्पेक्ट, सभी को रेस्पेक्ट करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए अपने पेरेंट्स को, एंड लव योर पेरेंट्स, और उनको प्रेम करना चाहिए, बिकॉज यू डोंट नो, आपको नहीं पता, क्या नहीं पता, वॉट दे हैड गिवन अप फॉर यू, कि आपको कुछ पता ही नहीं है कि आखिर उन्होंने क्या क्या आप लोगों के लिए त्यागा है, छोड़ा है, ठीक है। तो ये तो थी आज की कहानी, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, ठीक है, सभी फ्रेंड्स को बहुत बहुत थैंक्स, और इसी तरीके से अपना जो सहयोग है, सपोर्ट है, वो इस चैनल को बनाए रखेगा। थैंक यू, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।